हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मीनू अग्रवाल किचन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि आज मैंने बनाई है सेब की खट्टी मीठी चटनी। फ्रेंड्स, फेस्टिवल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सेब का भी सीजन है, तो क्यों ना हम फेस्टिवलों पर पूरी के साथ बनाएं कुछ चटपटी सी तीखी सी चटनी। तो चलिए फिर बना लेते हैं फटाफट सेब की चटनी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेब ले लिए हैं। फ्रेंड्स, हम धनिए की, पुदीने की सबकी चटनियाँ बनाते हैं, क्यों ना इस सीजन में सेब की चटनी बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, ये सेब को मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसे मैं छील के काट लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डाल देंगे तेल। 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है इसमें। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पहले हमने तेल को चारों तरफ लगा दिया है और इसके बाद तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। फ्रेंड्स, हींग डालने से इस चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद 1/2 चम्मच डाल दिया है जीरा। जीरे के बाद हम इसमें डाल देंगे साथ ही साथ 1/2 चम्मच ही सौंफ। और इसके बाद जो हमने सेब को काट लिया था, इसे मैं पानी में रखा है क्योंकि सेब ऐसे छोड़ देते हैं तो काले पड़ जाते हैं। तो अब इसके बाद हम सेब डाल देते हैं इसमें जो हमने काट लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने ये वाली चटनी पहले कभी बनाई है क्या। फ्रेंड्स, देखिए हमने सेब को डाल दिया है। इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और इसको हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। 2-3 मिनट तक इसी तरह से भून लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे भूनने से फ्रेंड्स इसमें सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमें इस तरह से ज़रूर भूनना है इसे। ये वाली चटनी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि बस अगर आपने एक बार इसको खिला दिया ना, तो ये सभी को इतनी पसंद आएगी कि आपसे बार बार इसे बनवाएंगे। और ख़ास तौर पे तो जब भी कभी सेब दिखे तो इसे ज़रूर बनवाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए 2-3 मिनट हो गए इसे भूनते भूनते, तो अब हम इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। बीच में इसे चेक भी जरूर करेंगे हम 2-1 बार, तो लेकिन हमें लो फ्लेम पर ही इसे रखना है ढककर। तो देखिए 10 मिनट हो गई हैं, इसे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, सेब हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद इसे चला लेते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से 1-2 मिनट तक हम इसे चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सेब थोड़े से क्रंची भी हो गए हैं सॉफ्ट होने के साथ साथ। इसके बाद इसमें डाल देते हैं चीनी। 1 चम्मच भर के हमने चीनी इसमें डाल दी है। मिक्स कर देते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे अभी। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच ही डाल देते हैं वाइट विनेगर। फ्रेंड्स, अगर विनेगर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सबको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, अगर लाल मिर्च का पाउडर आप पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च भी इसमें आप डाल सकते हैं। सबको चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हम सब्जी भी कह सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये चटनी है क्योंकि हम इसे मैश कर देंगे खूब अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसी स्पैचुला की सहायता से मैश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सेब हमारे सॉफ्ट हो गए हैं तो मैश करने में मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए हमने मैश कर दिया है। जो भी आपको लग रहा होगा मोटा पीस है, उसे आप इस तरह से मैश कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने किशमिश ले ली है, इसे भिगो दिया था, ये इसमें डाल देते हैं। इसे डालने से चटनी में रिच लुक आएगा फ्रेंड्स। अगर आप किशमिश पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद इसको फिर चला लेते हैं, जिससे कि हमारी किशमिश भी थोड़ी सी फूल जाएगी। तो हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है सेब की खट्टी मीठी। इसे सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा चटपटी और तीखी सी ये चटनी हमारी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी से कर सकते हैं। तो देखिए हमारी पूड़ी से खाने वाली, और अगर आप किसी भी सब्जी को भी बनाएंगे ना पूड़ी के साथ,
तो सब्जी कोई नहीं खाना पसंद करेगा, आपकी चटनी ही खाएंगे, क्योंकि ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार इसे बनाइएगा और सभी को खिलाइएगा फेस्टिवल पे, या वैसे भी आप इसे बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास फौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए फ्रेंड्स। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पर इसी तरह से फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत आपको पसंद आएगी।